स्वागत आप सबका सुपर स्मैश कप के मैच नंबर 30 के अंदर। ये ग्रुप स्टेजेस का अंतिम मैच है। मुकाबला है यहाँ पे ओटागो वोल्ट्स बनाम नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में, जो खेला जाएगा नोटिसिटी फुल डुनेडिन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 8:30 बजे। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का रुख करते हैं। तो इस टूर्नामेंट के अंदर 6 टीम्स कम्पीट करती हैं, टॉप 3 टीम क्वालिफाई करती हैं। फिलहाल ये दोनों टीम्स है ना पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे नीचे है, दे आर एलिमिनेटेड। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस मैच से, चाहे हारे जीते, बस ये औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने सम्मान के लिए खेल रहे हैं। तो देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है। ऑकलैंड एसेस सीधा फाइनल खेलेगी 28 जनवरी को, और उनके साथ विनर ऑफ सेकेंड और थर्ड विलिंगटन, या फिर आप देख लो इस मैच के अंदर अभी मैच चल रहा है कैंटरबरी का, अगर कैंटरबरी उस मैच में जीत जाती है तो ये क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन आता है सेकंड और थर्ड, ये देखने लायक होगा। ऑकलैंड एसेस तो टॉप पे फिनिश कर चुकी है। स्टूडियो में टोटल 61 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना आपको मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम पे दे देता हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल डुनेडिन का मैदान और जो ओटागो के अंदर आता है, इस वेन्यू के ऊपर 19 जनवरी को मैच हुआ था रिसेंटली, ओटागो वोल्ट्स वर्सेस सेंट्रल सिक्स का मैच था। क्या हुआ था इस क्लैश के अंदर, हुआ कुछ नहीं था। देखो आप 139 का टारगेट दिया, सामने टीम भी आती है 139 बनाती है, मैच टाई हो जाता है। फिर इससे पहले पाकिस्तान का मैच था, फिन एलन यहाँ पर आया, धुआंधार बैटिंग करके गया था, 224 बनाए थे भाई ने 7 विकेट के नुकसान पे, और पाकिस्तान चेस करने आती है 179 रन पे रुक जाती है। 141 बना टारगेट चेस 15 ओवर में, 199 बना टारगेट चेस नहीं हुआ, 166 बना टारगेट चेस मात्र 17 ओवर के अंदर, 187 बना टारगेट चेस। तो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर बड़े बड़े स्कोर भी चेस हो जाते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। इट्स नॉट ए इजी वेन्यू टू डिफेंड। यहाँ पर ओटागो वुल्व्स का होम ग्राउंड है, इन्होंने 44 में से 20 मैचेस में जीत दर्ज करी है, और नॉर्दर्न ब्रेव यहाँ पर 9 में से 4 मैचेस जीती है। बैटिंग फर्स्ट 4 मैचेस जीते गए, एक मैच टाई हुआ है, बाकी 10 मैचेस चेस करते हुए जीते गए। 15 मुकाबलों की मैं बात करता हूँ पिछले, तो प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनते हैं। और इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच था उसमें 7 विकेट पेसर का था, 4 विकेट स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 15 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 98 विकेट्स निकाला है 98, पहली पारी के अंदर 57, दूसरी पारी के अंदर 41। तो पहली पारी में पेसर्स की ज्यादा महत्व रहती है। राइट आर्म पेसर्स 88, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 10 विकेट है। स्पिनर्स 58 विकेट है, ये भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, पहली पारी में 29, दूसरी पारी के अंदर भी 29 है। ऑफ स्पिनर्स का 15, साइड होता हूं मैं, लेग स्पिनर्स का 11, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 27, और लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 5 विकेट है। अब पिचेस की फोटोज दिखाता हूं मैं आपको। चलो जब पाकिस्तान का मैच हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तब की पिच की फोटो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सरफेस था, ना ग्रास का कोई नामो निशान है पिच के ऊपर, ना कोई ड्राइनेस है, वो कहते हैं ना पाटा चाबुक विकेट था एकदम। ठीक है, ये देखो आप मक्खन विकेट एकदम, बहुत बेहतर पिच होती है। और इस विकेट के ऊपर जो बॉलर शॉर्ट ऑफ ए बैक ले शॉर्ट ऑफ ए बैक ऑफ द लेंथ डालते हैं उनको विकेट्स मिलते हैं, बैक ऑफ ए शॉर्ट ऑफ लेंथ कहते हैं उसको। अब देखो सामने की बाउंड्री 76 स्क्वायर आपको 67 मीटर्स तक की देखने को मिल सकती है। और न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे क्रिकेटिंग वेन्यूज है, ये थर्ड बाउंसीएस्ट एंड पेस वाली विकेट है, सबसे ज़्यादा बाउंस और पेस न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पे देखने को मिलता है, फिर विलिंगटन के ऊपर, फिर आपको डुनेडिन पे देखने को मिलता है। ये देखो ड्रोन व्यू, ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है, बारिश के चांसेस है जी इस मैच के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशंस होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या है भाई साहब, यहाँ पे दोनों टीम से 36 मैच खेले हैं, 18 जीती है ओटागो वोल्ट्स, नॉर्दर्न ब्रेव 13 जीती है, 5 मैच नॉट रिजल्ट गया है। ये फेयरवेल मैच है हमेश रदरफोर्ड का, लीजेंड है ये, रिटायरमेंट ले रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट से हमेश रदरफोर्ड, फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट इनका अंतिम मैच होगा। देखते हैं किस तरह से साइन ऑफ करते हैं ये। अभी फिंच रिटायर हुए, शॉन मार्श रिटायर हुए, हमेश रदरफोर्ड की तो एज सिर्फ 33 और 34 साल का ही है, अभी इसने रिटायर ले लिया। ल्यूक जॉर्डसन इनके साथ ओपन करेगा, डेन फेक्सक्रॉफ्ट कप्तान, वन डाउन, मैक्स शू कीपर है, थॉन पर्क्स लेफ्टी बल्लेबाज हैं, फिर आपको जैक गिब्सन, जमाल टॉड, बेन लॉक्रॉस, ट्रेविस मुलार, जैकब डफी और एंड्रू रिजल्टाइन दिख जाते हैं। इस टीम में बहुत सारे लेफ्टीज है, दो तो लेफ्टी ओपनर है, ठीक है, फिर मैक्स शू लेफ्टी है, फिर थॉन पर्क्स लेफ्टी है, जमाल टॉड लेफ्टी है, तो आपको इस टीम के अंदर करीबन 5 से 6 बैटर्स लेफ्टी दिख जाते हैं। बेन लॉक्रॉस भी बैटिंग करता है, ये भी लेफ्टी बल्लेबाज है। सामने कौन ऑफ स्पिनर है वो बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ये देखो आप कटन क्लार्क ओपन करेगा एंड्री कॉपर के साथ, कॉपर भाई साहब एक ऑफ स्पिनर है जिसके आप इस मैच में 3 से 4 ओवर लेके जा सकते हो, अगर इसने बॉलिंग अच्छी करी पहला ओवर तो, पहले ओवर में 15 रन खा गया तो कौन इसको दूसरा ओवर देगा। जीत रवाल ये भी पार्ट टाइम डाल लेते हैं,
स्पिन। जो कार्टर स्क्वाड में पहले नेम थे इनिशियल, फिर बाद में इनका नाम हट गया, तो ये नहीं खेलेंगे, इनके बदले फ्लैन खेलेगा जो नया प्लेयर आया। ब्रेट है, वो कोई खास प्लेयर भी मेरे को लगा नहीं। हैम्पटन है, स्कॉट टुगलैन, पीटर बैकॉक, क्रिस्टन क्लार्क, टिम प्रिगल, नील वैगनर, और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे फ्रेड वॉल्कर। नील वैगनर कहाँ से आया? नील वैगनर भी स्क्वाड में नहीं था, डिजाइनर को मैंने दिया था मैट फिशर लिख के। तो मैट फिशर खेलेगा या जैक गिब्सन, दोनों में से वो एक खेलता हो आपको दिखेगा। नील वैगनर स्क्वाड में नेम नहीं है, क्षमा चाहता हूँ भाई डिजाइनर, क्या करें अब। हैमेश रदरफोर्ड, बट मैं आपको रोली बता दे रहा हूँ ना क्या चेंजेस है, दिक्कत की बात ही नहीं है, बस इमेज है वो, तो वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। रदरफोर्ड का 23 मैचेस के अंदर 363 रन से 17 की औसत है, 5 50s है 31 इनिंग्स के अंदर, अच्छे क्रिकेटर है ये, बट वो ये कि जो फॉर्म था ना भाई का, बहुत ज़्यादा डिप हुआ था। वैनी के ऊपर 35 मैच खेला है, 804 रन है, 5 50 है 630 है। भाई 30 होता क्या है, आपका सवाल यह आएगा, 30 का मतलब होता है 30 से 50 के बीच में जो स्कोर होता है ना, 30 और 50 के बीच में, उसको कहते हैं 30। 32 इनिंग्स में उसने एक कारनामा किया है, फॉर्म 26 11 18 3 52 32 7 6 9 1, सिंगल डिजिट वाला प्लेयर बन गया था बीच में ये। ल्यूक जॉर्डसन हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 22 रन 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, बॉलिंग किया लास्ट मैच में 4 ओवर, इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेन फेक्सरॉट पता नहीं इस टूर्नामेंट में बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, वरना बहुत बॉलिंग करता था लास्ट सीजन के अंदर। 8 मैच 250 रन है, 3 विकेट हैं। वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 70 की औसत है भाई साहब, 350 रन है। नजर रखिए इस प्लेयर के ऊपर, एक स्पेशल प्लेयर आपके लिए बन सकता है। मैक्स चू 7 मैचेस में 28, वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 45 रन है। थॉर्न पर्क्स हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर इसने 25 रन बनाए बैटिंग फर्स्ट करते हुए, ये नहीं आएगा सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में 25 है। रिसेंट फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं। जैक गिब्सन 5 मैचेस में 47 रन है, वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 109 रन है। ये भी टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ओपन कराया था, इससे कुछ रन्स नहीं किया रसने, बस स्टार्टिंग के 2 मैच पर रन्स बनाए, उसके बाद देखो 0 0 21 8 0, फिर भाई को डाउन द ऑर्डर पुश कर दिया। जमाल डॉड हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे 2 रन, यहीं पे इसने डेब्यू किया। बैन लॉकर्स को लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं मिली, 4 मैचेस में 3 विकेट 23 रन, वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 3 विकेट्स हैं। ट्रेविस मुलर का 3 मैच में 2 विकेट, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 5 विकेट है। इस टीम का गो टू बॉलर बन चुका जैकब डफी के साथ साथ, बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है ये भी। हजलडाइन पावर प्ले वाला बॉलर है, 3 मैचेस में 0 विकेट है, बॉलिंग एक बार करी इस टीम के खिलाफ। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट, बॉल सेकंड नॉक इकोनॉमी थी। डफी 22 मैच में 25 विकेट्स, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा इसका। वेन्यू के ऊपर 29 मैच में 27 विकेट हैं, वेन्यू पर थोड़ा शांत रहा है, बट एक्सपेक्ट करिए आप जिस तरह का बॉलर है, अभी बहुत अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहा है ये, ऑली वाइट्स आपको शायद ना दिखे। पिछले मैच में हजलडाइन का पहला 7वां 13वां 15वां ओवर था, डफी का दूसरा 6वां 16वां, मुलार का तीसरा 5वां 10वां 18वां, ल्यूक जॉर्डसन का 8वां 11वां 14वां 19वां, जैक गिब्सन का 9वां 12वां 17वां 20वां ओवर था। कटनी क्लार्क, भाई ने कैटी क्लार्क लिखा है डिजाइनर ने। 8 मैच 196 रन से, बैटिंग फर्स्ट 49 2 23 26 73 10, चेस के ऊपर 13। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 145 रन है, बैटिंग फर्स्ट 49 73 23, जिसके अच्छे स्कोर्स आए ना इस टीम के खिलाफ। इस भाई ने 8 मैचेस हेडटूड में खेले अगेंस्ट ओटागो, वो जो सारे अच्छे स्कोर्स इसी वेन्यू के ऊपर आए, बिकॉज ये जो ट्रैक है ना ओटागो का, ये वैसे बहुत अच्छा होता है यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्ड डुनेडिन का। हैंड्रिक कॉपर 7 मैच में 52 रन, बैटिंग फर्स्ट 3 19 24 6, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 24 रन से, बैटिंग एक बार करी थी। जीत रवाल 15 मैच 250 रन 23 की औसत है, कोई खास आंकड़े नहीं है भाई के, 49 56 50 नाबाद। ये टूर्नामेंट भी इसका शांत गया है, 8 0 32 6 12 0, एक मैच में 62 किया, फिर 16, फिर 52, 2 मैचेस में चला इस टूर्नामेंट के अंदर, एक 30 किया, 2 50 किया इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है, बट इतने स्पेशल नहीं नंबर्स, ट्राई कर लेना इसको, ये लास्ट मैच है, फियरलेस खेल सकता है। 4 मैच में 50, बैटिंग फर्स्ट 3 6, चेस के ऊपर 20 21 है। हैम्पटन 13 मैचेस में 198 रन है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 53 रन है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देता है आपको, टीम में रखिए इस प्लेयर को, जो कार्टर आपको नहीं दिखेंगे। पीटर बैकॉक इससे बेटर मैक्स चू है। स्कॉट टुगलैन 22 मैच में 16 विकेटें, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 13 मैच में 10, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 5 विकेट्स है, 10 की इकोनॉमी, ये बहुत मार खाया है यहाँ पर, और पिछले 2 मैचेस से विकेटलेस गया ये, फॉर्म वाइज देखते हैं तो आप। टिम प्रिंगल 4 मैच में 4 विकेट है, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, एक आपको ऐसा प्लेयर दिखेगा जो मैच में कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। इस वेन्यू पे भी 2 विकेट है इसका, बॉलिंग सेकंड करते हो, फॉर्म देखो 3 रन 2 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 1 विकेट 5 रन 1 रन 30 रन, कुछ ना कुछ करके देगा आपको। क्रिस्टन क्लार्क ये बहुत अच्छी रेपुटेशन लेके आता है, बट भाई ने कुछ नहीं किया है,
वैसे एडवर्ड दो मैच खेला, बॉलिंग एक बार करी थी, बॉलिंग फर्स्ट में दो विकेट निकाला, फॉर्म 8 रन, 0 विकेट, 5 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, एक एक विकेट मिल रहे हैं भाई को सिर्फ। फ्रेड वॉल्कर ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, हेड टू हेड के अंदर 3 मैचों के अंदर 2 विकेट है, बॉलिंग सेकंड कराया है इसने, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट, बॉल सेकंड, एक ही मैच के अंदर थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बॉलिंग। मैथ फिशर 4 मैच में 3 विकेटें, वेन्यू के ऊपर 2 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए, जी हाँ। और जैक गिब्सन 5 मैच में 5, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है। अब देखो पिछले मैच में स्कॉट कुगलैन का पहला, तीसरा, 11वां 19वां ओवर था, क्रिस्टन क्लार का दूसरा, 6वां 18वां 20वां, फिशर का 4था 7वां 13वां 17वां, टिम प्रिंगल का था कहाँ गए 8वां 10वां 14वां 16वां, हैम्पटन का 5वां था, और जो अपने फ्रेड वाल करते हैं उनका, और मैं आपको रियली बता देता हूँ, यहाँ पे शायद डिजाइनर ने मिस किया है, जो मैंने स्टैट्स निकाले तो उसके अंदर देखता हूँ मैं। तो भाई साहब इस बंदे का ओवर था 9वां 12वां 15वां ओवर था लास्ट मैच के अंदर फ्रेड वॉल्कर का, जब हेनरी कॉपर बॉलिंग कराए तो वो 10वां 12वां के आसपास आके बॉलिंग करता है, 10th और 12th ओवर के आसपास। मैचअप देखते हैं, रदरफोर्ड वर्सेस कुगलैन, 30 बॉल 51 रन, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। ल्यूक जॉर्डसन कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, बैटिंग कम करी है इसने, क्रिकेट कम खेली है थोड़ी। डैन फ्रेडक्राफ्ट वर्सेज हैम्पटन, 6 बॉल 10 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। मैक्सू वर्सेज प्रिंगल, 1 बार आउट किया हुआ है। थॉन पर्क्स, जैक गिब्सन, नॉर्मल मैचअप है यार। कटनी क्लार्क वर्सेज लॉक्रोस, 17 बॉल 19 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हेनरी कॉपर वर्सेज जैक गिब्सन, 8 बॉल 11 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। जीत रवल का स्पेशल मैचअप नहीं है। हैम्पटन का अगेंस्ट जैकब डफिर है, 29 बॉल 24 रन, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। स्कॉट कुगलैन वर्सेज गिब्सन, 4 बॉल 7 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कॉमन कैप्टन आपको देखेंगे हर जगह, जैक गिब्सन, ल्यूक जॉर्डसन। रीजन बड़ा सिंपल है, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं, 4-4 ओवर डालते हैं। डेन फ्रेडक्राफ्ट, ब्रेट हैम्पटन, 2 मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स वाले कैप्टनशिप पिक्स है। कुगलैन की बैटिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग में 1-2 विकेट निकाल देता तो अच्छा पॉइंट देखा जा सकता है। प्रिंगल भी ऐसा ही काम कर रहा है, बॉलिंग से अच्छा कर रहा है, विकेट्स भी इस मैच में निकाल सकता है, बट बहुत सारे लेफ्टीज इस मैच में आपको दिख जाएंगे ओटागो के अंदर, ओवर कर सकते हैं स्पेशली फ्रेड वॉल्कर के, हेनरी कॉपर्स की ओर बढ़ सकते हैं अगर मैच सही तरीके से जाता है तो। चलते हैं टीम्स की तरफ। तो फिलहाल मैंने कैप्टन किए हैं यहाँ पे ल्यूक जॉर्डसन को, रीजन सिंपल था, पिछले मैच में 4 ओवर बस, इस मैच में कोई गारंटी नहीं है, 4 ओवर डाले ये और फिर आपको ये ओपन करता हुआ दिखता है। पिछले मैच में 76 पॉइंट दिया, इस मैच में उसके आसपास भी दे दे तो भी बहुत अच्छा, 50-60 पॉइंट भी दे जाए तो। जैक गिब्सन वाइस कैप्टन है, डीन फ्रेडक्राफ्ट आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुगलैन अच्छा ऑप्शन है, बट कुगलैन कैट टू नंबर इतने खास नहीं रहे। कॉपर को मैंने सिर्फ इस वजह से लिया, बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स का सामने वाली टीम में, वही टेक्टिकल डेटा। कटनी क्लार्क अच्छा क्रिकेटर है, अटैकिंग शॉट्स खेलता है, स्वेनी को पसंद करता है, यहाँ पे शॉट्स आप खेल सकते हैं इजीली, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैक्स शू है, वैसे आप जा सकते हैं मैं शदरफे के साथ, बहुत अच्छे प्लेयर है, उनका अंतिम मैच है, फेयरवेल के तौर पर आप इसको टीम पे पिक कर सकते हो। हैम्पटन है, डफी, प्रिंगल, मुलार को मैंने लिया हुआ। अलग क्या करना है, अलग ये देखो आप कीपिंग में 2 ऑप्शन है, एक तो आपको पीटर बैकॉक दिख जाता है, बट मेरे को बेटर लगा मैक्स शू जो अच्छे शॉट्स खेल लेता है। वैसे पीटर बैकॉक ने निराश नहीं किया, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ता है विकेट के पीछे, अच्छे पॉइंट दे जाता है ये। बैटर सेक्शन से रदरफोर्ड लेके जा सकते हैं, मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, जीत रवल को भी पिक कर सकते हैं आप। बहुत शांत टूर्नामेंट रहा है ये, 3 बार ड्रीम टीम में आया सिर्फ, 2 50 1 30 वाले मैच के अंदर। कटनी क्लार्क अच्छे पिक है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके चले जाते हैं, 30-40 जल्दी आउट होगा तो फिर बात अलग है। फेक्सक्रॉफ्ट, कुगलैन इंपॉर्टेंट, जैक गिब्सन ये भी एक बहुत अच्छा पिक रह सकता है। क्रिस्टन क्लार्क कुछ टीम्स को रोटेट करिए, बहुत शांत टूर्नामेंट रहा है, इसका अंतिम मैच है, एक छाप छोड़ना हर प्लेयर चाहता है। हैम्पटन, ल्यूक जॉर्डसन इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉलिंग सेक्शन से डफी, प्रिंगल को मैंने लिया है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं इस वजह से, बॉलिंग तो खैर करेंगे, 2 ओवर तो डालना चाहिए भाई को, 2 से 3 और तो, और रोटेट कर लीजिए आप फिर यहाँ पे। हजलडाइन नई गेंद से विकेट निकालता है, वही इसकी खासियत है। फिशर डेथ में डालेगा 1-2 ओवर आके, देखते रहिए स्टैट्स जो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जो टाइम दिया, पूरे टूर्नामेंट के अंदर सपोर्ट बना के रखा। जय हिंद, लव यू।